नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका PCS फाइट चैनल में। दोस्तों आज हम लोग यहाँ देखने वाले हैं UPPSC का GS पेपर वन का मेंस का एक टॉपिक है जिसका नाम है सेलियंट फीचर्स ऑफ इंडियन सोसाइटी एंड कल्चर। सो दोस्तों हम लोग इसमें देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें हैं जो इसमें अपने को पढ़नी होती है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो समझिए कि वॉट इज़ सोसाइटी, सोसाइटी क्या है। सोसाइटी की अगर बात करी जाए तो इसको कई लोगों ने अपने अपने तरीके से डिफाइन किया है। एज़ पर सम सोशोलॉजिस्ट, अ सोसाइटी कैन बी डिफाइंड एज अ ग्रुप ऑफ पीपल हु हैव इंटरैक्शंस विद इन अ कॉमन टेरिटरी एंड शेयर सिमिलर कल्चर। तो यहाँ पे कुछ कीवर्ड इस्तेमाल हुए हैं। अगर आप लोग देखोगे तो सोसाइटी कैन बी डिफाइंड एज अ ग्रुप ऑफ पीपल, पीपल का ग्रुप है, राइट, सोशल ग्रुप है, हु हैव इंटरैक्शंस, हु हैव इंटरैक्शंस, दूसरा कीवर्ड ये है, विद इन अ कॉमन टेरिटरी एंड शेयर सिमिलर कल्चर। तो यहाँ पे आप लोग देखोगे कि क्या है, एक ऐसा सोशल ग्रुप है जो विद इन अ टेरिटरी है, रहता है, निवास करता है और आपस में इंटरैक्ट करता है, आपस में इंटरैक्ट करता है, राइट, और एक सिमिलर कल्चर अडॉप्ट करते हैं वो सभी लोग। तो सोसाइटी की एक कॉमन सी डेफिनेशन हो गई। अब इसमें अगर देखा जाए सोशल ग्रुप, ये सोशल ग्रुप दो या दो से अधिक लोग जब आपस में आके इंटरैक्ट करते हैं, राइट, एक दूसरे को आइडेंटिफाई करते हैं तो सोशल ग्रुप बना लेते हैं वो लोग। तो ये चीज़ आपको डेफिनेशन आई थिंक सबको समझ में आ गई होगी सोसाइटी है क्या। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से हमारी जो इंडियन सोसाइटी है इट इज़ यूनिक, और हमें पता है कि यहाँ पे जो यूनिटी इन डाइवर्सिटी का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से लगता है, राइट। व्हाट मेक्स इंडियन सोसाइटी इज सो यूनिक फ्रॉम एनी अदर इन द वर्ल्ड इज इट्स फीचर ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी। तो इसको ये कीवर्ड है, आपको ये यूनिटी इन डाइवर्सिटी याद रखना है। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है अपनी इंडियन सोसाइटी की, वो है एकोमोडेशन विदाउट एसिमिलेशन। हम किसी को अपने में ज़बरदस्ती नहीं मिलाते हैं, राइट, हम किसी को भी ज़बरदस्ती अपने कल्चर में नहीं मिलाते हैं, बल्कि यहाँ पे सब आपस में एकोमोडेट हो जाते हैं, सब एडजस्ट हो जाते हैं और सब इसी इंडिया, इंडियन कल्चर का पार्ट हो जाते हैं। तो ये अपनी भारत की खूबी रही है बहुत स्टार्टिंग से। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं इसके मेन फीचर्स। तो एक एक हेडिंग मैं समझाता चलूंगा, आप लोग क्या करिएगा, रनिंग नोट्स बनाते चलिएगा इन सब के। आपको सारे लेक्चर्स मेरे मिल जाएंगे, प्लेलिस्ट में जाइएगा, GS मेंस वन की प्लेलिस्ट है, आप लोग इसको ब्राउज करिएगा और यहाँ पे जितने भी टॉपिक हैं GS पेपर मेंस के आपको मिल जाएंगे, आपको हैंड रिटन नोट्स सबके बनाने हैं। तो मर्जिंग ऑफ ट्रेडिशन विद मॉडर्निज्म, पहला सेलियंट फीचर ये है, मर्जिंग ऑफ ट्रेडिशन विद मॉडर्निज्म। दोस्तों इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल अगर मैं आप लोग को दूँ तो एक तरफ योगा है, अपना ट्रेडिशनल जो कल्चर है योगा का, और आज के टाइम पे हम लोग देख रहे हैं कितने ज़्यादा जिम वगैरह ओपन हो गए हैं, डांस क्लासेस वगैरह चल रही हैं, वेस्टर्न डांस वगैरह सिखाया जा रहा है, हिप हॉप हो रहा है। तो ये मॉडर्निज्म का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। एक तरफ हम लोग जो खाना है उसमें ट्रेडिशनल खाना खाते हैं और एक तरफ हम लोग देख रहे हैं कि मैकडोनल्ड और ये सब आ गए हैं, KFC, उसको कंज्यूम करना है। तो ट्रेडिशन और मॉडर्निज्म का हम लोग देखते हैं यहाँ पे अपने इंडियन सोसाइटी में मर्ज देखने को मिलता है। वहीं पर अगर बात करी जाए मर्जिंग ऑफ ट्रेडिशन और मॉडर्निज्म की, तो हम लोग ये भी लिख सकते हैं कि न्यूक्लियर फैमिलीज का कॉन्सेप्ट बढ़ता जा रहा है, लेकिन अपने यहाँ ज्वाइंट फैमिली का कॉन्सेप्ट बहुत स्टार्टिंग से रहा है। सो ये इस चीज़ को भी आप लोग यहाँ पे समझ सकते हो। इसके बाद जो दूसरा पॉइंट है यहाँ पे सेलेंट फीचर्स में अगर बात करें, द इंडियन सोसाइटी इज सिंक्रेटिक एंड डायनेमिक। सिंक्रेटिक का ये मतलब है कि यहाँ पे हमें देखने को मिलता है किस तरीके से एक चीज़ में कई चीज़ों को इन्वॉल्व किया गया। फॉर एग्जाम्पल, सिंक्रेटिक का मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ, हम लोग देखते हैं कि जो उर्दू है, उर्दू लैंग्वेज, वो हमारी अरबिक और हिंदी लैंग्वेज की मिक्सचर है, अरबिक और हिंदी लैंग्वेज की मिक्सचर है। सो ये सिंक्रेटिक का एग्जाम्पल है। अच्छा, अगर आर्ट एंड आर्किटेक्चर की बात करी जाए तो आपने राष्ट्रपति भवन देखा होगा, राष्ट्रपति भवन, तो दोस्तों ये यूरोपियन स्टाइल, राजपूताना स्टाइल और मुगल स्टाइल का मिक्सचर है, ये जो हमारा राष्ट्रपति भवन बना हुआ है, तो इन सब का मिक्सचर है। तो आर्ट एंड आर्किटेक्चर का मैंने आपको सिंक्रेटिक का एग्जाम्पल दे दिया। अब यहीं बात करी जाए, इसी में एक शब्द आता है एसिमिलेशन, किस तरीके से हमारा जो कल्चर है वो एसिमिलेट करता है दूसरे को। ऐसे समझिए कि इंडिया में हम लोग जानते हैं कई ट्राइबल ग्रुप है, इंडिया में हम लोग जानते हैं कई ट्राइबल ग्रुप्स है, लेकिन क्या ये जो अपने 500 600 साल पहले जो कल्चर अडॉप्ट किया था एज इट इज़ आज भी वही अपनाते हैं? नहीं, मात्र केवल समझ लीजिए अराउंड 30-40% ही उन्होंने उन्हीं ट्रेडिशंस को फॉलो कर रखा, बट अदरवाइज एज सच मोर देन 50% अब ये जो एक मॉडर्न सोसाइटी में कल्चर अपनाया जाता है वो लोग इसी को अपनाते हैं, ठीक है। क्योंकि
हम लोग को पता है कि आज के टाइम पे बड़े पैमाने पे कोई भी एरिया अनछूता नहीं रहा है, ठीक है। सो हर जो कॉर्नर है कंट्री का, वहाँ पे जो ग्लोबलिज्म है वो जा चुका है। तो ये जो ट्राइबल ग्रुप्स हैं, इनके जो स्टार्टिंग के रिचुअल्स और कल्चर रहे थे, अब उनमें वेरिएशन आ गया। सो बहुत ही डायनेमिक है, चेंज हो रहा है चीज़ें। इसके बाद हम लोग ये भी जानते हैं सूफी भक्ति और भक्ति सूफी मूवमेंट और भक्ति मूवमेंट किस तरीके से आपस में एक दूसरे के साथ कह सकते हैं कि कॉम्प्लीमेंट किया, राइट, दे बोथ आर कॉम्प्लीमेंट्री टू इच अदर। तो ये बात हो गई सेकेंड फीचर की। अब थर्ड फीचर की बात करते हैं, अंडरलाइंग थीम ऑफ यूनिटी इज डाइवर्सिटी। अभी इसको जस्ट हमने पहले देखा कि अपनी जो इंडियन सोसाइटी है उसमें कई तरीके के पॉलिटिकल थिंकर्स रहे हैं स्टार्टिंग में। अपना जो कॉन्स्टिट्यूशन भी बना है वो कई अलग अलग विचारधाराओं को समाहित करके बना हुआ है, राइट। इसके बाद यहाँ पे हम लोग जानते हैं कई सारे एथनिक लैंग्वेजेस हैं, कल्चर हैं, और ये भी हम लोग जानते हैं कि सरकार किस तरीके से अलग अलग इनिशिएटिव ले रही है कि इन सब में आपस में असिमिलेशन किया जा सके, समन्वय बैठाया जा सके। इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट फीचर इंडियन सोसाइटी का पैट्रियार्की। दोस्तों अभी भी जो अपने यहाँ डिसीजंस लिए जाते हैं अपनी फैमिली में, दैट इज़ टेकन बाय मेल मेंबर्स ओनली। तो मेल डोमिनेट करते हैं अपने यहाँ पे, तो हेड ऑफ द फैमिली इज ऑलवेज मेल, ऐसा है। तो पेट्रियार्की अपने यहाँ अभी भी है। वेमेन आर ट्रीटेड एज सेकेंड क्लास सिटीजन्स। सो वेमेन इन इंडिया इज ट्रीटेड एज सेकेंड क्लास सिटीजन्स। अब ये चीज़ें बदल रही हैं, बट बाय एंड लार्ज स्टिल कहीं ना कहीं पेट्रियार्की प्रेवलेंट है इंडिया में। इसके बाद बात करें सोसाइटी इज लार्जली एग्रेरियन एंड रूरल। इसका ये मतलब है मोर देन 50% ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन डायरेक्टली इनडायरेक्टली डिपेंड्स ऑन एग्रीकल्चर, राइट। अभी भी हम लोग कहते हैं कि भारत जो है अपने गाँवों में बसता है, तो अराउंड 70% ये भी है कि जो पॉपुलेशन है वो रूरल एरियाज में रहती है, निवास करती है। सो ये सब चीज़ें हैं जो भारत की सोसाइटी को लार्जली एग्रेरियन और रूरल बनाती है, ठीक है। सो ये जो आपने ज़रूर सुना होगा रूरल आर्ट फॉर्म, ये भी काफ़ी ज़्यादा फेमस है अलग अलग जगह पे। जैसे मधुबनी का आपने सुना होगा, बिहार का मधुबनी, इसको मास्क वगैरह पे भी प्रमोट किया, रेलवे स्टेशन पे भी इसकी कई चीज़ें बनी हुई हैं ऐसी, बनारस अगर आप देखोगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, सोसाइटी इज लार्जली एग्रेरियन एंड रूरल। इसके बाद क्लास एंड कास्ट डिवाइड अपने यहाँ बहुत है, अपने यहाँ पे बहुत है। ये पुराना जो एज ओल्ड वर्ण सिस्टम चल रहा था, ये उसी का नतीजा है। एज ओल्ड वर्ण सिस्टम, ब्राह्मण क्षत्र और जो शूद्र क्लास बोला जाता है, लोअर क्लास बोला जाता है। सो अपने यहाँ पे अभी भी स्टिल उसको हमें देखने को मिलता है। बहरहाल अभी का जो मॉडर्न ज़माना है, जो मॉडर्न लोग हैं सिटीज़ वगैरह में खासकर इतना विश्वास नहीं करते, बट स्टिल कहीं ना कहीं ये प्रेवलेंट है इंडियन सोसाइटी में। इसके बाद देयर इज़ टॉलरेंस एंड म्यूचुअल रिस्पेक्ट। अपने इंडिया में अगर बात करें तो टॉलरेंस और म्यूचुअल रिस्पेक्ट काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती है। सो ये अपने स्टार्टिंग से रहा है, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करना, एक दूसरे की फीलिंग्स, एक दूसरे के जो कल्चर हैं उनको समझना, ठीक है, उनको म्यूचुअल रिस्पेक्ट देना। और इसका ये भी है कि आप एशियन टाइम से देख सकते हो किस तरीके से यहाँ पे इन्वेडर्स आते रहे हैं और यहीं के कल्चर में उनका ही कल्चर मिक्स मिक्स होता रहा है। तो अपने यहाँ जो कॉन्सेप्ट है सर्व धर्म संभाव, तो आप इसको कोट कर सकते हो अलग अलग मेंस के पेपरों में, ठीक। तो ये अपने यहाँ पे सेकुलर वैल्यूज़ सिखाई जाती रही हैं स्टार्टिंग से, सेकुलर वैल्यूज़, तो ये कोट उसी को रिप्रेजेंट कर रहा है। अलग अलग फिलॉसफीज़ अपने यहाँ पे साथ में बसती चली हैं, जैसे कोई एथिस्ट हो सकता है, कोई रिलीजियस हो सकता है, कोई मटेरियलिस्टिक हो सकता है, तो सभी का स्वागत है यहाँ पे, ठीक। तो आपने जैसे आर्ट एंड कल्चर का पढ़ा होगा, नागर स्टाइल अलग है, द्रविड़ स्टाइल अलग है, और वेसर स्टाइल, इन दोनों का मिक्सचर है। तो ये अलग अलग जगह पे हमें अलग अलग चीज़ें देखने को मिली हैं। तो ये हो गया जो अपना आज का टॉपिक था इंडियन सोसाइटी का। आई होप आप लोगों ने नई चीज़ें सीखी होंगी, समझ में आया होगा। कोई अगर डाउट वगैरह है आप लोग कमेंट कर सकते हो, और आप लोग इसको ज़रूर शेयर करिएगा अपने उन फ्रेंड्स में जो आपको लगता है कि सीरियसली प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्योंकि जो नॉन सीरियस लर्नर्स हैं वो बस प्रीलिम्स की तैयारी करते रहेंगे, वो प्रीलिम्स एक्सपर्ट हो जाते हैं। लेकिन आप में से कुछ लोग हो जो ओवरऑल पेपर को देखते हो, जो मेंस भी कंप्लीट करना चाहते हो, लेकिन आप कहीं से कुछ मिल नहीं रहा है, खासकर इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। पीसीएस का इंग्लिश में मटेरियल बहुत कम है, तो मेरी कोशिश है आप लोगों को हाई क्वालिटी कंटेंट यहाँ पे प्रोवाइड करूँ कम से कम शब्दों में, सो दैट जब आप आंसर राइटिंग करो तो आपको वो चीज़ें याद हो, ठीक है। सो 2 बार UPSC और 1 बार PCS लिखने का जो मेरा एक्सपीरियंस है आपके साथ, वो मैं ज़रूर शेयर करता रहूँगा।
तो ध्यान रखिए, चीज़ों को रिवाइज़ करिए, आंसर राइटिंग करिए, बार बार उसको रिवाइज़ करिए, लिंक करिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और मेरे लेक्चर्स में आप ये सब देखोगे। तो ज्योग्राफी ऑप्शनल का PCS UPPSC ज्योग्राफी ऑप्शनल का लेक्चर चल रहा है जूम पे, आप सभी लोग अगर वहाँ पे चाहो तो कांटेक्ट कर सकते हो मुझसे। थैंक यू।